पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरने वाले हैं। पीएम पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी पुरुलिया में चुनावी रैली करेंगे। रैली सुबह 11 बजे शुरू होगी। मोदी की यह जनसभा पहले 20 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे दो दिन पहले ही किया जा रहा है। बंगाल चुनाव के पहले चरण में पीएम मोदी कुल 4 रैलियां करेंगे। पुरुलिया के बाद पीएम 20 मार्च को खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुरा और 24 मार्च को पूर्व मिदनापुर के कांथी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के पहले चरण की 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इधर बंगाल चुनावों को लेकर एक अहम खबर यह है कि बीजेपी 3 और सांसदों को चुनाव लड़वा सकती है। यह अहम खबर है। इसमें बड़ा नाम जो है वो मुकुल रॉय का है, जो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा शांतनु ठाकुर और जगन्नाथ सरकार को भी टिकट देने की तैयारियां बीजेपी कर रही है, तो ये बड़ी खबर। इससे पहले भी 4 सांसदों को बीजेपी टिकट दे चुकी है विधानसभा चुनावों का। तो वहीं बंगाल में हर दिन सियासी हलचल बढ़ रही है। अब पीएम खुद चुनाव प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो इसके लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। तैयारी तो सिर्फ भाजपा ही नहीं, क्या कि जनता ने भी तैयारी कर ली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कल स्वागत करने के लिए। और कितनी जनता होगी ये तो आप लोग गिनती करेंगे कल कि कितनी जनता। इसके लिए आप लोग को हम भी जिम्मा देते हैं कि आप लोग गिनती करिए कल कितना जनता है। पहले उनका था नहीं था, ऐसा नहीं है। 10 साल पहले उनका था, जादू चल रहा था कम्युनिस्ट को हटाने के लिए, जनता ने उनको चुना था। लेकिन अब वो फीका पड़ गया है। पहले उनका जनसभा होता था, अभी उनका पदसभा हो गया। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटी हैं। व्हीलचेयर पर सवार होकर दीदी आज पश्चिमी मिदनापुर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। पश्चिम बंगाल की जीत टीएमसी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। दीदी बंगाल को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि व्हील चेयर पर ही ममता दीदी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पश्चिम मेदिनीपुर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। सबसे पहले दीदी अमलासुली में दोपहर 12 बजे जनता से मुखातिब होंगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे केशरी में जनसभा करेंगी और आखिर में 2 बजे पश्चिम मेदिनीपुर के कलीकुंडा में रैली को संबोधित करेंगी। बता दें इस सीट से टीएमसी के उम्मीदवार और टॉलीवुड अभिनेत्री जून मालिया और बीजेपी के उम्मीदवार सुमित कुमार दास मैदान में हैं। इधर पश्चिम बंगाल के झारग्राम में ममता बनर्जी ने बीजेपी और सीपीएम पर जबरदस्त हमला बोला है। दीदी ने बीजेपी को दुशासन का शासन बताया। बंगाल में सियासी दंगल में टीएमसी और बीजेपी के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारग्राम में रैली के दौरान सीपीएम और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे जिंदगी में कई बार पीटा गया। पहले सीपीएम मुझे पीटा करती थी और अब बीजेपी ने भी वही करना शुरू कर दिया है। सीपीएम के लोग अब बीजेपी में तब्दील हो चुके हैं। दीदी ने बीजेपी की रैली को दुशासन का शासन बताया है और कहा कि बीजेपी दंगा राज और कुशासन राज चला रही है। वहीं इससे पहले मंगलवार को ममता ने बांकुड़ा में चुनावी रैली के दौरान दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग के कामों में दखल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली करीमगंज में होने वाली। पश्चिम बंगाल में रैली करने के बाद पीएम मोदी असम में विरोधियों पर गरजेंगे। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे करीमगंज के एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, 18 मार्च को असम में रहूंगा। करीमगंज में रैली के दौरान असम जैसे महान राज्य के लोगों के बीच मौजूद रहने को लेकर बेताब हूं। पिछले 5 साल में असम की जनता ने बदलाव देखे हैं। विकास के एजेंडे को जारी रखने के लिए एनडीए को जनता का आशीर्वाद चाहिए। आपको बता दें कि असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजों का ऐलान 2 मई को होगा। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।